स्पेंस बॉटनी चैनल पर मैं सारी प्लांट्स लवर का वेलकम करती हूँ। दोस्तों, मैं आज को अपनी फरवरी के मंथ की बालकनी का अपडेट दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी बालकनी में क्या क्या लगा है। सबसे पहला प्लांट देखिए, ये पेटूनिया का। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है और कितने अच्छे ढंग से खिला है। दूसरा ये पेटूनिया, पिंक और पर्पल में। इस तरह से देखिए बालकनी का ये कॉर्नर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है फ्रेंड। इसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे स्टैंड पर मैंने ये सिनेनेरिया के प्लांट्स लगा दिए हैं। बेबी प्लांट्स छोटे छोटे मैं लाई थी, अब ये प्लांट्स बड़े हो गए हैं लेकिन अभी इनमें बडिंग नहीं हुई है। ये हाइब्रिड वैरायटी के सिनेनेरिया है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये देसी सिनेनेरिया है, इनमें बडिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, इनमें बडिंग शुरू हो गई है लेकिन अभी उनमें, इन सिनेनेरियास में बडिंग नहीं आई है। इधर देखिए दोस्तों, इधर मैंने पेटूनियास लगाया है जिसमें अभी बडिंग नहीं आई है क्योंकि गुलदावरी के गमले खाली होने में बहुत समय लग गए हैं तो ये लेट लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें आ गई है बड्स, खिलना भी ये शुरू हो गया है पिंक और रेड में। इधर स्टैंड पे दोस्तों, जाफरी गेंदा लगा दिया है, छोटे वाले गेंदे देखिए येल्लो में, बहुत प्यारी इनकी सुगंध होती है, बहुत सुंदर लगते हैं। इधर देखिए दोस्तों, इम्पेशंस लगाया है, ये देखिए ऑरेंज में, ये लाइट ऑरेंज में, ये पिंक कलर में इम्पेशंस, ये भी दोस्तों पिंक में है, ये पिंक और वाइट में, ये भी पिंक कलर में। इस तरह से ये कॉर्नर पूरा इम्पेशंस कॉर्नर बनाया है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसके बाद ये इधर भी मैंने ये पेटूनियास लगाई हैं। इधर पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है देसी कलांचू है, कितना प्यारा खिला है। और उधर हाइब्रिड लगे हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। स्टैंड पे देखिए दोस्तों क्या क्या लगा है। सबसे पहले ये लगा है कैलेंडुला जिसमें बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं। इसके बाद ये फ्रेंड्स लगे हैं, इसके बाद देखिए फ्रेंड ये कलांचू, इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्रिटी व्यू लग रहा है इनका। किसी में अभी तो बर्ड्स इतनी सारी बनी है और कुछ में फ्लावरिंग हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ये डायंथस लेट विंटर में खिलते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे गुलदावरी के गमले खाली होने में समय लग गया है तो मैंने ज़्यादा डायंथस लगाया है क्योंकि डायंथस लेट विंटर में खिलता है। अभी ये ऑलमोस्ट 1 मंथ इसी तरह खिलेगा। दो वैरायटी के हैं इसमें, एक तो ये छोटे वाले फ्लावर्स वाले डायंथस हैं ये, और ये बड़े बड़े फ्लावर्स वाले डायंथस। देखिए फ्रेंड, इसके बाद बीच में ये पेंजी, वाओ कितना प्यारा खिला है। इसके बाद ये भी डायंथस है, देखिए दोस्तों ये भी डायंथस। इस तरह दोस्तों मेरे स्टैंड का ये व्यू डायंथस का इस तरह का लग आ रहा है। इसके बाद दोस्तों ये जेरेनियम लगा है जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है लेकिन हाँ बर्ड इसमें ज़रूर बन गई है। जैसे ही फ्लावरिंग होगी मैं इसका अपडेट दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये डॉग फ्लावर प्लांट तो बहुत ही प्यारे खिले हैं, देखिए पिंक में, वाइट में, येलो में। और इस तरह से मेरी बालकनी का फ्रंट व्यू कुछ ऐसा आता है फ्रेंड्स। स्टैंड का फ्रंट व्यू देखिए, हैंगिंग्स का देखिए, अब देखते हैं फ्रेंड्स इस तरफ क्या लगा है। इस तरफ मैंने सारी डहेलिया लगाई हैं, कुछ की बर्ड्स खुल गई हैं, कुछ में बर्ड्स अभी नहीं खुली हैं। देखिए ये बर्ड्स अभी ओपन नहीं हुई है लेकिन देखिए ये फ्लावर खिल चुका है। ये फ्लावर खिले हुए 15 दिन बीत चुके हैं फ्रेंड्स और ये ऑलमोस्ट झड़ने वाला है। अब धूप बहुत तेज़ हो रही है
इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने डहलिया के प्लांट्स को अपनी उस बालकनी में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि वहाँ धूप कम आती है और ये धूप से जल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग, कितने प्यारे लग रहे हैं ये रेड कलर के डहलियास। वाओ, ये तो बहुत प्यारा खिला है, बहुत बड़ा सा, बहुत प्यारा खिला है। बट एक फ्रेंड ये अभी खिल रहा है, बट्स अभी ओपन नहीं हुई। एक ये देखिए, ये भी अभी आधा ही खिला है फ्रेंड्स। बट्स देखिए कितनी सारी और बनी है इनमें। और एक देखिए फ्रेंड ये भी अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। और एक ये भी अभी खिल रहा है। इस तरह से दोस्तों ओवरऑल व्यू देखिए मेरी फरवरी की बालकनी का कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों बालकनी में जगह बहुत कम होती है, लेकिन इतनी कम जगह पर इतनी वैरायटी के सीजनल प्लांट्स मैंने लगाए हैं। मैं इंतज़ार कर रही थी कि पिटूनिया खिल जाए, तब मैं आपको अपना बालकनी का अपडेट दूं, लेकिन अब मौसम में बहुत तेज़ी से बदल रहा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर और कितना प्रिटी लग रहा है, यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको मेरे ये फरवरी की बालकनी का अपडेट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।